सनसनी ऑफ इंडिया। एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने जहर खुरानी गैंग के 3 ऐसे बदमाशों को दबोचा है जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहले सवारियों को कम किराए का लालच देकर ऑटो में बैठाते थे, फिर बातों में उलझाकर नशे का पदार्थ खिला या पिलाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। ये गैंग इतना शातिर था कि जिस ऑटो में वारदात को अंजाम देता था उस ऑटो को एकदम साफ सुथरा और चमकाकर रखता था ताकि साफ सुथरा ऑटो देखकर टारगेट सवारी तुरंत ऑटो में बैठ जाए। साथ ही यह गैंग वारदात में इस्तेमाल ऑटो में लगाता तो असली नंबर प्लेट था, लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए आगे और पीछे की नंबर प्लेटों में थोड़ी छेड़छाड़ करके रखता था ताकि ऑटो नंबर से इनकी पहचान न हो सके। आरोपियों के बारे में कोई सुराग और सबूत न होने के बावजूद एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने मात्र एक छोटे से क्लू की मदद से पूरे गैंग का भंडाफोड़ कर डाला। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खजूरी खास दिल्ली निवासी 38 वर्षीय मोहम्मद आजाद, 23 वर्षीय आसिफ उर्फ जुबैर उर्फ जावेद व बिहार निवासी 37 वर्षीय शहजादा उर्फ गोल्टा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से S1 व S2 सीरीज के 12 आईफोन व 4 OnePlus ब्रांड के मोबाइल फोन और एक ऑटो बरामद किया है। पश्चिम विहार ईस्ट थाने में एक व्यक्ति ने कॉल करके बताया था कि पीरागढ़ी इलाके में ऑटो में बैठे कुछ लोग उसे नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करके फरार हो गए हैं। पुलिस ने FIR संख्या नंबर 274/23 धारा 328 379/34 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पश्चिम विहार ईस्ट थाना पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच की, लेकिन वारदात के काफी समय बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं खोज पाए। जब वारदात को काफी समय हो गया और स्थानीय पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, तब विशेष पुलिस उपायुक्त रविंद्र सिंह यादव ने मामले को सुलझाने की जिम्मेवारी एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम को सौंपी। जिम्मेवारी मिलते ही ACP सुशील कुमार ने अपनी सुपरविजन व इंस्पेक्टर राजीव बमल के नेतृत्व में SI नरेश कुमार, SI रोहित सोलंकी, हेड कांस्टेबल गुरविंदर, सोमेश व तेज प्रताप की एक टीम का गठन किया। टास्क मिलते ही इंस्पेक्टर राजीव बमल ने सबसे पहले केस की फाइल को बारीकी से पढ़ा। स्थानीय पुलिस ने जांच के नाम पर मात्र पीड़ित के बयान और एक दो लोगों से पूछताछ करके फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेज भी नहीं खंगाले थे। या हम यूं कह सकते हैं कि एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम को मामले की आगे की जांच के लिए सबूत और सुराग के नाम पर मात्र पीड़ित का बयान ही मिला था। वारदात को काफी समय हो चुका था, ऐसे में क्राइम सीन के आसपास से सबूत जुटाना अपने आप एक चुनौती थी। फिर भी इंस्पेक्टर राजीव बमल ने चुनौती को चैलेंज के रूप में लिया और वारदात की नए सिरे से जांच शुरू कर दी। क्राइम टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले, किंतु वारदात को काफी समय हो जाने की वजह से CCTV कैमरों से फुटेज ऑटो डिलीट हो गई थी। जब क्राइम सीन से CCTV कैमरों से कोई सुराग नहीं मिला तो टीम ने वारदात के समय क्राइम सीन के आसपास एक्टिव सभी मोबाइल नंबरों की हिस्ट्री खंगाली, लेकिन कोई भी संदिग्ध मोबाइल नंबर नहीं मिला। क्राइम टीम के पास अभी तक एक भी सुराग नहीं था केस की शुरुआत करने के लिए। इंस्पेक्टर राजीव बमल का एक ही मोटिव था कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे देखना। इंस्पेक्टर राजीव बमल ने इस उम्मीद के साथ पीड़ित को पूछताछ के लिए बुलाया कि शायद कोई सुराग मिल जाए। बातचीत के दौरान टीम को एक अहम जानकारी मिली। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसे बातों में उलझाकर नशे का पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था। बेहोशी की हालत में आरोपियों ने उसका सामान चोरी करने के साथ उसके थंब से उसका मोबाइल खोलकर पेटीएम से 6,000 रुपए भी ट्रांसफर कर लिए थे। पैसे ट्रांसफर करने वाली बात पीड़ित ने उस समय मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को भी बताई थी, लेकिन जांच अधिकारी ने इस एंगल पर कोई जांच नहीं की थी। पीड़ित के अकाउंट से 6,000 रुपए ट्रांसफर करने वाली लीड मिलने से क्राइम टीम को लगा अब तो मामला खुल ही गया। टीम ने तुरंत पीड़ित के अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे उसकी डिटेल खंगाली तो पता चला कि किसी मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। टीम ने तुरंत मनी ट्रांसफर की दुकान पर छापा मारा, लेकिन टीम को निराशा हाथ लगी। दुकानदार ने बताया कि उसका मनी ट्रांसफर का काम है और वो आरोपियों के बारे में कुछ नहीं जानता है। कुछ लोग उसकी दुकान पर आए तो जरूर थे, लेकिन नकद पैसों की जरूरत बोलकर पैसे ट्रांसफर किए थे। टीम ने मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार को शक के घेरे में रखकर जांच की तो पता चला कि दुकानदार का वास्तव में आरोपियों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मनी ट्रांसफर की दुकान से ही जांच टीम को आरोपियों के बारे में पहला ब्रेक थ्रू मिला। दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरों में आरोपी कैद हो गए थे। CCTV फुटेज खंगालने पर देखा कि आरोपी ऑटो से आए थे।
सीसीटीवी फुटेज से ऑटो का नंबर तो मिल गया था, लेकिन शायद पुलिस को चकमा देने के लिए आगे और पीछे की नंबर प्लेट से एक नंबर गायब कर रखा था। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से ऑटो के असली नंबर का पता लगा लिया, लेकिन टीम ने जब ऑटो के नंबर से मिले पते पर छापा मारा तो यहां भी निराशा हाथ लगी। ऑटो मालिक ने टीम को बताया कि उसने यह ऑटो काफी समय पहले मोहम्मद आजाद नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। ऑटो खरीदते समय मोहम्मद आजाद ने जो मोबाइल नंबर ऑटो ओनर को दिया था, मिलाने पर वो अभी बंद आ रहा था। टीम को ऑटो मालिक से मोहम्मद आजाद का पता मिल गया था। टीम ने मोहम्मद आजाद के पते पर छापा मारा तो पता चला कि वो किराए पर रहता था और काफी समय पहले मकान खाली करके चला भी गया है। इतनी भागदौड़ करने के बाद भी टीम के हाथ खाली थे, फिर भी टीम लगी हुई थी कि किसी तरह से आरोपियों तक पहुंचा जाए। टीम के हेड कांस्टेबल गुरविंदर ऑटो नंबर की चलान हिस्ट्री खंगालने में लगे हुए थे। चलान हिस्ट्री से पता चला कि ऑटो का हाल ही में रेड लाइट जंप का एक चलान हुआ था। चलान की पेमेंट पेटीएम से की गई थी। चलान जिस पेटीएम नंबर से भरा गया था, टीम ने उस मोबाइल नंबर का पता लगाया और उसकी कॉल हिस्ट्री खंगाली। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से टीम को पता चला कि मोबाइल सराय काले खान बस अड्डे के पास एक्टिव है। इंस्पेक्टर राजीव बमल आरोपियों को दबोचने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। टीम ने तुरंत सराय काले खान बस अड्डे को चारों ओर से घेर लिया। मोबाइल फोन की पिन पॉइंट लोकेशन सराय काले खान बस अड्डे के सामने ऑटो स्टैंड से थी। टीम ने देखा कि मोबाइल फोन की पिन पॉइंट लोकेशन पर एक ऑटो खड़ा था और उसमें तीन लड़के बैठे हुए थे। पुलिस को देखकर तीनों लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने चारों ओर से घेर कर उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खजूरी खास दिल्ली निवासी 38 वर्षीय गैंग लीडर मोहम्मद आजाद पुत्र हबीबुल, 23 वर्षीय आसिफ उर्फ जुबैर उर्फ जावेद पुत्र नफीस व किशनगंज बिहार निवासी 37 वर्षीय शहजादा उर्फ गोल्टा पुत्र सलीमुद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से S1 व S2 सीरीज के 12 आईफोन व 4 वन प्लस ब्रांड के मोबाइल फोन, एक ऑटो व 6000 रुपए नकद बरामद किया है। मोहम्मद आजाद गैंग लीडर है। यह मकान नंबर ई ब्लॉक 558 गली नंबर 3 श्री राम कॉलोनी राजीव नगर खजूरी खास का रहने वाला है। दूसरा आरोपी 23 वर्षीय आसिफ उर्फ जुबैर उर्फ जावेद मकान नंबर ई ब्लॉक 740 श्री राम कॉलोनी राजीव नगर खजूरी खास का रहने वाला है। तीसरा आरोपी 37 वर्षीय शहजादा उर्फ गोल्टा जमनीगुरी पिपरिथान ठाकुरगंज किशनगंज बिहार का रहने वाला है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।